Hi guys, welcome back to my channel Style School. Hope so you all are doing well. I'm doing well too. So guys, I'm back with another video. This video is going to be a winter skin care routine for dry skin, because guys, dry skin walon ki jo skin hoti hai na, वो विंटर्स में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि विंटर में ह्यूमिडिटी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है. सो हमारी स्किन से भी बहुत सारा मॉइस्चर जो उड़ जाता है, और ड्राई स्किन वालों की स्किन में तो वैसे ही मॉइस्चर की कमी होती है, एंड विंटर्स में वो और भी ज़्यादा हो जाती है बाकी स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग के कंपैरिजन में. तो ये वीडियो मैं स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए है, ताकि वो किस तरह से अपने स्किन में जो है मॉइस्चर को लॉक कर सकते हैं इन विंटर्स में. सो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कैसे कर सकते हैं. सो गाइस, सबसे पहले तो आप कर लीजिए फेस वॉश या क्लेंज़र, आपको जो भी करना है. अगर आप बाहर से आए तो आई रिकमेंड कि आप फेस वॉश कर ले. मेक श्योर कि जो फेस वॉश जो हो वो क्रीमी टेक्सचर का हो. ओके, सो सेकंड ये तो हो गई हमारे फेस क्लीनिंग. अब उसके बाद आती है फेस को मॉइस्चराइज करने की. सो यहाँ मैं यूज़ करूँगी कोकोनट ऑयल. आप कोई सा भी वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं या प्योर कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे पैराशूट का कोकोनट ऑयल यूज़ करूँगी, बिक सकते हो. सो अब मैं इसको क्या करूँगी, स्किन में जो है अच्छे से मसाज कर लूँगी. ये क्या करेगा, स्किन में मॉइस्चर को अच्छे से लॉक कर देगा. और गाइस, ये जो है मॉइस्चर लॉक करने के साथ साथ आपकी डबल क्लेंजिंग भी कर देगा, क्योंकि जो ऑयल्स होते हैं वो डर्ट बैक्टीरिया को अट्रैक्ट कर लेते हैं. तो इस स्टेप के बाद हम अपने फेस को जो है एक वाइप से टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेंगे. तो जो बचा हुआ डर्ट जो होगा, जो फेस वॉश से नहीं निकल पाया, वो इससे निकल जाएगा. और इससे जो है आपके फेस की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपका फेस का अच्छे से मसाज भी हो जाएगा, जो कि स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है. सो गाइस, अब मैं एक गीले टावल से इसको कर ले रही हूँ वाइप. आप चाहे तो इसको प्लेन वाटर से वॉश भी कर सकते हैं, बट मुझे ये ज़्यादा सही लगता है, वो भी निकल जाएगा. तो इसके बाद आती है, क्योंकि आप विंटर्स की बात कर रहे हैं तो कुछ स्किन को तो डबल मॉइस्चराइजेशन चाहिए ही. तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए थोड़ी सी मलाई. आप क्या बोलते हैं, अलग अलग पैक वैक मत बनाइए, आप हाथ में ही ले लीजिए थोड़ी सी मलाई. अब हम इसमें क्या करेंगे, हम अपनी स्किन की मॉइस्चराइजिंग भी करेंगे, स्क्रबिंग भी करेंगे और एक्सफोलिएशन भी करेंगे. तो आप इसमें क्या करें, पिसी हुई चीनी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप एक दो चुटकी नमक भी यूज़ कर सकते हो एज अ स्क्रबर. तो मैं जो है अभी मेरे पास पिसी हुई चीनी नहीं है, तो मैं इसमें एक दो चुटकी जो है नमक ऐड कर दूँगी. एंड आप कर लेना अपने फेस पे इसको अच्छे से स्क्रब. गाइस, ये जो मलाई है मैंने बिल्कुल ताज़ी फ्रेश दूध का ही निकाला है. इसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है. और इसके अंदर जो मैंने सॉल्ट यूज़ करा है, वो मेरा स्क्रब का काम करेगा, तो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो भी होंगे वो भी निकल जाएंगे. एक्सफोलिएशन भी हो रहा है. सो आपको इसको 2 मिनट तक मसाज करना है. आप लिप्स पर भी करिए, देन कर लीजिए इसको सिंपल वाटर से वॉश. सो गाइस, अब बारी आती है फेस पैक की. हर स्किन केयर रूटीन में एक फेस पैक ज़रूर होता है, तो मैं आपको फेस पैक भी बड़ा हैंडी सा बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए आपको ज़्यादा सामान कलेक्ट वलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो ताकि जल्दी हो जाए. सो आप लीजिए थोड़ा सा आटा. मैं आपको बेसन या मुल्तानी मिट्टी यूज़ करने को नहीं कहूँगी सर्दियों में, बिकॉज कि बेसन और मुल्तानी मिट्टी जो होते हैं स्किन से मॉइस्चर जो होते ना खींच लेते, मतलब वो ऑयली स्किन वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं विंटर्स में, क्योंकि अब्सॉर्ब कर लेते हैं. तो इसमें आप ऐड कर दीजिए थोड़ी सी मलाई एंड इसको मिक्स कर लीजिए. मैंने जितना सिंपल हो सकता है, मैंने इस सारे स्किन रूटीन को सिंपल रखने की कोशिश करी है, ताकि आपको मतलब झंझट ना. सो गाइस, इसको जो है आप 5 से 10 मिनट के लिए अपने फेस पर रहने दीजिए, ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है. एंड देन उसके बाद जो है आप इसको स्क्रबिंग की पोजीशन में जो है निकाल लीजिए. सो गाइस, जब ये सूख जाए तो आपको क्या करना है, इसको लाइक इस तरह से स्क्रब करते हुए इसे जो है निकाल लेना है.
देन जो आप है रनिंग वाटर से अपने फेस को वॉश कर लीजिए. सो गाइस मैंने कर लिया अपने फेस को प्लेन वाटर से वॉश. सो गाइस स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है एंड स्किन के अंदर जो एक नेचुरल ग्लो होता है वो आ गया है. सो गाइस ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही ईजी, सिर्फ 3 ही स्टेप है. आपको फेस वॉश करना है, देन आपको मलाई के साथ स्क्रब एक्सफोलिएट करना है, मॉइस्चराइज करना है, देन फेस पैक अप्लाई करना है. आप चाहो तो सेकेंड और थर्ड को एक साथ भी कंबाइन कर सकते हो, यू नो, उसमें आटा भी मिक्स करके. सो एज यू कैन सी, सो गाइज होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो. ड्राई स्किन वालों के लिए स्किन केयर रूटीन था, ऑयली और अदर स्किन टाइप के लिए भी मैं वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी. आप प्लीज़ इसको अपने सभी ड्राई स्किन वाले फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक